हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। माय नेम इज तिलक चौधरी और भैया ये बैठे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और लूसी ने पेट्रोल ली है। आज लूसी को पता नहीं है इसके साथ बहुत खतरनाक चीज़ होने वाली है। आज हम उसको लेके जा रहे हैं पट्टा बांध लिया। पट्टा क्यों? आधा बॉडी ले चलेंगे ना, आधा बॉडी ले चलेंगे पर वहाँ पट्टा की जरूरत पड़ेगी। हाँ गाइस, इसके पट्टा बांध देते हैं। आज हम इसकी फास्ट बूस्टर डोज लगवाने के लिए जा रहे हैं। हमने इसके कार्ड कर लिया इसने दरा के। हमने इसके फर्स्ट वैक्सीनेशन लगवाई थी 45 दिन बाद और हमें लगवानी थी 20 तारीख को। आज 23 तारीख हो गई है, मतलब देख रहे हो कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा लूसी के लिए ज़्यादा, तो 3 दिन लेट हो गए हम वैक्सीन लगवाने में। फर्स्ट बूस्टर डोज आज जाके लगवा लाते हैं। चलो चलते हैं, उधर जाके मिलेंगे आपको। पिछली बार नहीं देखा पाए थे कैसे वैक्सीन लगी थी, क्या लग रहा था, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी। उसका पट्टा खाए मम्मी, ऐसे का पट्टा मिल गया है। और देखो बिल्कुल भोली वाली शांति से बैठ गई है। मुझे लगता है पता चल गया इसके इंजेक्शन लगने वाला है। सब पता मुझे, मासूम को भी कुछ पता भी नहीं है। लूजी पट्टा पहन ले चल। हाँ पट्टा पहना के इंजेक्शन लगवा देना मेरे, मुझे कुछ डर नहीं लगता इंजेक्शन से। मुझे राजी राजी पट्टा पहन के राजी राजी लगवा लूंगी। गाइस लूसी देखो इधर लेके आ गए हैं। लूसी इधर देख, अब इंजेक्शन लगेगा इसकी। भैया आपने पासपोर्ट लग रहा है इसका, देखेंगे पासपोर्ट देखेंगे। ओ गाइस हिरण देख सकते हो, हिरण है ये। सो गाइस मुझे लगता है कि इसके पीछे के पैरों में कुछ ज़्यादा दिक्कत आ गई है, खड़ा नहीं हो पा रहा है हिरण। पता नहीं मेल या फीमेल है बट ये खड़ा नहीं हो पा रहा, तो इसके बैकबोन का एक्सरे वगैरह की बात कर रहे हैं ये लोग। आई थिंक ये कहीं से गिर गया है। गाइस इधर ये दवाई आ रही है इसकी, अब इंजेक्शन लगा लो उसी के। वीडियो ना इसकी इंजेक्शन लगा। तू ब्लॉग पे ध्यान मत दे, तू वहाँ पे ध्यान दे। गाइस लूसी के इंजेक्शन लगवाने के बाद हम आ गए हैं घर पर, और घर पर वाईफाई लगाने वाले आ गए हैं। वाईफाई लगवा रहे हैं जियो का। ये कल नहीं आए थे लगाने, लेकिन आज आ गए हैं। तो जियो वाईफाई लगवा रहे थे ढंग से, और लूसी भी उधर बहुत ज़्यादा हल्ला किया था वजह से। इंजेक्शन लगवाते समय तो थोड़ा भी हल्ला नहीं किया, लेकिन इंजेक्शन लगाने की थोड़ी देर बाद जब वीडियो बंद हो गई, जब हल्ला कर रही थी, मैंने उसे पता है सब लोग देखेंगे, तो उसने चुप हो गई। ये वीडियो बनाएगा कितने हल्ला करा जाने। गाइस भैया करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं है, सलाम आती है मेरे ब्लॉग में बोलने से। चलो अब देखते हैं, लूसी को बताऊंगा मैं क्या करती है। और डेमो मारेगी आपके सामने, आपको बताइए ऐसे डरती नहीं कितनी ज़्यादा शेर अच्छी है। हाँ ये क्या बोलोगे, बोलो क्या बोले। अरे बोलो बोलो, तुम बोले ना बोल देना भाई, बोलो जल्दी बोलो, नहीं तो काम करूँगा तुम। लूसी को 15 दिन बाद हाँ गाय उसके 15 दिन बाद रेबीज का इंजेक्शन और लगेगा बस, और फिर 1 साल बाद लगेगा ऐसे बोले थे वो डॉक्टर। हम देख लेंगे और जो भी होंगे अच्छे तरीके से। और हमने बोली थी उनसे इसके पाम मोड़ रहे हो, कह रहे नहीं नहीं पाम वगैरह नहीं मोड़ रहे, और इसके ज़्यादा मुड़ जाएंगे तो हम ठीक कर देंगे, टेंशन मत लेना। इसके वो भी लगा था जो 45 दिन पे लगा था। हाँ पड़े ना गीले, कौन गए भैया ने गाय दिन के पैसे, जब जब कपड़े धोएंगे ना हर बार गीले होंगे, ऐसा क्यों भैया। और गाय देखती बता दूँ, मम्मी लग रही रहती है इधर कपड़े धोने, और ये बहुत ही मशीन ये रहती है मम्मी। गाइस इसको भी चला रखा है मम्मी ने, और उसको भी चला रखा है, अब दोनों जगह पे कपड़े धो रही हैं। बताओ गाइस ये है हमारा बॉक्स जियो फाइबर का, और ये इधर से पीछे से बिल्कुल ब्लू है, आगे इस पर लिखा हुआ जियो डिजिटल लाइफ, नीचे से लिखा है योर ब्रॉडबैंड गेटवे, और ऊपर बगल से दिखा विद लव फ्रॉम जियो, इधर भी वही है विद लव फ्रॉम जियो। और मैं आपको ऊपर से दिखा नहीं सकता क्योंकि इसमें EMI वगैरह नंबर वगैरह डरे हुए हैं। सो ये कुछ आप इधर से देख सकते हो, या फिर इसको ब्लर ही कर दूंगा, देख लो आप ढंग से अच्छी तरीके से। गाइस इनको बहुत दूर से तार लगाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे घर के पास नहीं है, लगभग इधर से 50 कदम दूर है, और उतनी दूर से तार आ रहा है। हमारा तार ही भैया लगा रहे हैं यार, और ये हमारे घर में जाएगा जब लग जाएगा ढंग से। वाई फाई
तो गाइस इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है। इसमें से एक राउटर निकल आई है ब्लैक कलर का, और एक अडेप्टर है, एक इथरनेट केबल है, और एक वाईफाई से कनेक्ट होने वाली केबल है। देखते हैं इधर काम चल रहा है। इधर ये पड़ा तार वगैरह, और ये पार्लर में से होते हुए आ रहे हैं इधर। अब इधर लगवाएंगे इसको बिल्कुल लाइट की, और उधर इस जगह पे क्या हो गया गाइस सही है। तो गाइस ये रहा चार्जर, और ये लग गया वाईफाई बिल्कुल अच्छी तरीके से कंफर्म हो चुका है। उसमें वो सारा तार है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। इधर ही है देखो गई होती है रखा है, इधर से आया ये इस पार्लर में से होते हुए सीधे, और अंदर टीवी में फुल एचडी में वो चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, ये फुल एचडी में चल रहा है। पता ही नहीं कौन सा जानवर है ये। बस गाइस गाइस मैं हूँ अभी दीपल के घर पर, और मैं इधर से पढ़ने ला रहा हूँ दीपल के लिए। अभी कुर्सी दबा के लाया था वो, मैं मुझे ज़्यादा नॉलेज इसलिए दीपन मुझे लेके आया था। और बता दूँ आपको, देखो इसे फोड़ने में इतने ज़्यादा मजे आते हैं ना, उस कुर्सी में से निकली है। इसे फोड़ फोड़ के अपना टाइम पास कर रहा हूँ मैं इधर। अब दीपन आ गया, तू कर ले टाइम पास। टाइम पास फोड़ फोड़ तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ मैं दीपल के घर पर क्यों गया था। दीपल मेरे घर पर आया था मुझे लेने के लिए। उसके चाचू ने बाजार से कुर्सियाँ ली थी, वो पकड़ के लानी थी, लेकिन वो पहले ही भांती थी उसके चाचू ने, तो हम उसकी बस टेबल को पकड़ के घर पर दे के आ गए। और अभी मैं हूँ राहुल की बुलेट पर, और मेरी राइडर है राहुल के पास, हम जा रहे हैं साथ। और जैसा कि आप सबको पता ही है, मैं साथ ही पार आपको पहले ही एक ब्लॉग में पूरी तरीके से एक्सप्लोर करा दिया है, तो मैं उसमें अगर आपको कुछ भी दिखाऊंगा तो आपको वो रिपीट लगेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा देखने में, काफ़ी लोग स्केप मार देंगे। इसलिए अगर आपको साथी पार देखना है तो मेरा ब्लॉग देख सकते हो, पहला वाला साथी पार भरतपुर तिलक चौधरी ब्लॉग सर्च करके यूट्यूब पर सबसे पहले आएगा मेरा ब्लॉग। और सो गाइस मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, भैया गए हैं जयपुर, मैं अभी उनको बस स्टैंड पर छोड़ के आया था। मैं और मेरे राइडर से गए थे, भैया उनको छोड़ के आए थे, भैया बस से गए हैं जयपुर क्योंकि उनका कल का पेपर है एक एंट्रेंस एग्जाम का, और उधर कल का पेपर है मतलब, तो कल रुकेंगे और परसों भी रुक सकते हैं, देखते हैं कब आते हैं भैया। जादू मैं राहुल जा रहे हैं शास्त्री पार्क जैसा कि आपको पता ही, और जादू मैं बता देता हूँ कौन है, बहुत बार आपने सुना होगा, अभिषेक का नाम जादू है। सो गाइस हम आए शास्त्री पार्क, मैं उदित, उदित ये रहा, उदित अपने घर पर बात कर रहा है, और अभिषेक और राहुल आया हमारे साथ। राहुल गाइस देखो कैसे छुप गए, चोरों की तरह चल रहा है ये गाइस, आपको उसकी शक्ल किसी ना किसी दिन दिखा दूंगा मैं। इसकी आईडी एड से राहुल सर्च कर लेना, मिल जाएगी।